अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलों करम से सभी ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो भाई सबको जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। आज माशाल्लाह से बहुत मुबारक दिन है और ऊपर से हल्की सी किनमिन लगी या बारिश माशाल्लाह से बड़ा कोई प्यारा नज़ारा है। आज हमने जाना है शहर, हम कोई काफ़ी अर्सा से शहर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन आज जो पीछे हम गाँव से आए ना, आज जाना हमने उधर। मैं और एहसन जा रहे हैं, जुम्मा भी इंशाल्लाह उधर ही पढ़ेंगे और आपको अपना पूरा गाँव जो है ना टूर करवाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, तो मैं कहता हूँ अभी चलते हैं क्योंकि जुम्मे का टाइम भी हो रहा है ऊपर से और बारिश भी मैं कहता हूँ तेज़ ना हो जाए। रिस्क ये भी बहुत बड़ा क्योंकि ओपनली या बाइक पे हैं तो बारिश का रिस्क भी हो सकता है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर दो भाई, 7-8 किलोमीटर का है ना सफर ज़्यादा। बारिश के लिए जो ना चादर पकड़ लिया कि आते हो अगर कोई मसला अगर बढ़ जाए तो ऊपर फ़ौरन से ले ली जाए। तो जाके अब मैं मिलता हूँ आपको, चलो। One hour later. हाय हाय हाय, रोक यार रोक। अब ये हमारा गांव स्टार्ट हो गया तो इधर हमारे आते ही गांव के एंटर होते ही भाई मिल गए। हेलो, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भाई आया था, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैंने कहा चलो अपना गांव आज आपको दिखाया जाए। चलो फिर आए आए आए, तो फाइनली यार काफ़ी कुछ दिनों बाद, ये नहीं कि मैं सालों बाद, काफ़ी कुछ दिनों बाद भाई अपना गाँव ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। बेशक हम शहर चले गए हैं बट गाँव तो गाँव ही होता है, जिधर बंदा पैदा होता है सारा खेल कूद पढ़ाई लिखाई इधर ही होती है, सब कुछ जो भी है। तो अभी मैं खड़ा हूँ मेन गाँव की एंट्रेंस में अभी। तो अभी भाई ये हमारे गाँव का जो मेन है ना, मेन छप्पड़ बोल सकते हैं, सारे गाँव का पानी इधर ही आता है, ऐसी बात है भाई। ये बहुत बड़ा है और अभी इसके ऊपर बूटी है, लेकिन खैर अभी चलते हैं आगे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई वीडियो बन रही है, मसला तो नहीं है। नहीं। मैंने कहा यार कोई गांव भी सारा घुमाया जाए। मेन चौक में अपने गांव का जो मेन चौक है उधर मैं खड़ा हूँ, ये आपको दिखा सकता हूँ। ये रास्ता इतना कोई भाई खतरनाक है, अगर कोई रास्ता मतलब बनाना चाहिए यार। हुकूमत वगैरह तो खैर वो एक साइड पे है, अगर सारे गाँव वाले अगर पैसे इकट्ठे करें ना तो भाई अपना गाँव तो सबको प्यारा होता है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसे अपने घर को सारा प्यारा रखते हैं, सजाग रखते हैं, सफाई रखते हैं, वैसे अपने गाँव को भी यार रखना चाहिए। तो इन्हें चाहिए कि सारे पैसे इकट्ठे करके एक एक बंदा तो जाना किया जाए, एक एक चीज को सेट किया जाए। इधर कुछ सुनाटा इसलिए है, जुम्मा भी है आज माशाल्लाह से, क्योंकि जुम्मे की तैयारी में होंगे सारे। तो कुछ बारिश वाला मौसम भी है तो लोग कम ही निकले बाहर, नहीं तो मैं आपको मिलवाता भाई, एक दो बंदा मिला मैंने आपको मिलवाया भी है। तो आगे चलते हैं, आगे कोई एक दो शॉप है बड़ी, तो उनसे मिलते हैं आपको, उनसे मैं जाके ना आपको तारीफ कराता हूँ थोड़ा सा। मैं आ गया था उस शॉप के पास ही, लेकिन उस शॉप के पास ही एक हमारे प्यारे भाई अनीस भाई की भी शॉप है। क्या हाल है भाई, ठीक हो भाई? अंदर चलते हैं आप, हाँ आओ जरा अपनी शॉप भी दिखाओ और इसे बाद में खा ली। क्या कर रहे हैं यार तू? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फारिस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इसके साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया, बड़ी शॉप है ये, ऊपर भी है नीचे भी है। मैं भी चलता हूँ इधर जो हमारा घर है, आई होप कि मुझे उसके छत पे चढ़ के अच्छा व्यू आ जाएगा। आला बहुत आला भाई, बहुत आला। हाय 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 हाय, हेलो, इधर इधर। ये भाई फाइनली आ गया अपना घर। हाय 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 हाय, माशाल्लाह इतना बड़ा है, कैमरे में भी नहीं पूरा आ रहा, क्या बात है। बस मैं चलता हूँ आप छत पे जाके आपको अच्छा व्यू मिल सकता है। हाँ 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 हाँ, आपको एक चीज़ ही खाता हूँ, इधर मेरी यादगार चीज़ है। इधर सारी पुरानी यादें हैं बट एक जरा मेरी खास है, जो मैंने, ये मैंगो का पौधा है और ये भी मैंने खुद लगाया अपने हाथों से, बिल्कुल छोटा, और वो भी एक गिटक के साथ भाई साहब। माशाल्लाह आप तो काफ़ी बड़ा हो गया हुआ है ये। ये खैर कुछ चाचू ने लगाए हुए हैं इधर, कुछ मैंने लगाया हुआ है, ये चेक करो भाई साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, क्या तो यार। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये चेक करो। हाय हाय हाय, ये क्या बात है, देखो क्या लिखा हुआ है भाई। मेरी पैदाइश का दिन था तब का ही मेरे ख्याल से नाम लिखा हुआ है, ये पता नहीं मेरे किसी चाचू ने लिखा है या जिसने भी लिखा है, लेकिन बहुत देर हो गई है इस नाम को लिखे हुए। तो अब मैं आगे छत पे, इधर से व्यू अच्छा आ रहा था। तो मैं भी चलता हूँ भाई, सीधा जुम्मा पढ़ने काफी को लेट हो चुका। जल्दी 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 कर, जल्दी कर। 5 minutes late. अल्लाहुम्मा अफ्तह लिया बाबा रहमती का।
20 minutes later. तो हाँ जी, फिर जुमा शुमा पढ़ लिया था। हजीब जनरल स्टोर, माशाल्लाह ये भी बहुत पॉपुलर है इधर हमारे गांव में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही संजीदा किस्म से आदमी है, मतलब सिंपल से ही बहुत अच्छी नेचर के बंदे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो अभी चलते हैं दूसरी तरफ। क्या हाल है भाई साहब? ठीक हो? बड़ा सोना बच्चा है भी। तो भाई फर्स्ट नंबर पे जो हमारे गांव की सबसे बड़ी शॉप है वो ये है। पहले तो बंद थी लेकिन अब ऑन है। अंदर जाते हैं, आपको टूर करवाते हैं सारी शॉप का। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जज्जू, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो ना भाई? ये हमारे गांव की जो है ना सबसे, मेरे ख्याल से कोई और बड़ी शॉप नहीं होनी किराना की, हर एक चीज़ इधर अवेलेबल है, सारा कुछ मेरे ख्याल से अवेलेबल है। तो अभी मैं अंदर तक तो नहीं, ये प्राइवेसी भी कोई नाम की चीज़ होती है। 15 minutes later. तो फाइनली यार जुमा पढ़ के जनाजगा आ गए हैं। जुमा पढ़ के आप भी जनाजगा जाया करो। तो खैर वैसे भी हम सारों ने जाना इधर ही है, आना चाहिए यार इधर, इधर की देखभाल करनी चाहिए। तो अभी मैं खैर जनाजगा के अंदर एंटर हो चुका हूँ। आप देख सकते हो, ये चेक करो, ये माशाल्लाह से जनाजगा हमारे गांव की। और खैर अभी पौधे वगैरह काफ़ी सूख गए हुए हैं, ये देखो कोई मेरे ख्याल से पानी देने वाला नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ होगा भी लेकिन ये कुछ ऐसे पौधे मुरझा गए हुए हैं। वैसे देखा जाए तो ये जनाजगा का अंदर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चेक करो। माशाल्लाह बहुत बड़ी जनाजगा है बनी और साफ सुथरी है, टफ टाई लगी हुई है माशाल्लाह से। और एक बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, नमाज जनाजा ये सारी ना लिखी हुई है टोटल, जिनको नहीं आती, कुछ बच्चे हैं मतलब वो उन्हें नहीं आती, तो ये इधर से आप स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें, आप पढ़ सकते हैं भाई। सारा कुछ है इधर, नियत पहली तकबीर, दूसरी, तीसरी, चौथी तकबीर, और नाबालग और बालक सारा, मतलब नाबालग अगर कोई फोत हो जाता उसकी नमाज जनाजा, और जो बालक की पढ़ी जाती है वो भी, वो आप इधर से स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें, मेरे ख्याल से याद कर लेनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात, बड़े बहुत ज्यादा यार जिन्हें ये आती नहीं है, और ये बड़ी बुरी बात है। चलते हैं सीधा कब्रिस्तान में, उधर तो जाके दुआ वगैरह करते हैं। 5 minutes later. सीधा आ गए थे कब्रिस्तान, बहुत बड़ी कब्रिस्तान है, आप देखो। ये मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ ताकि नीचे से जो है ना अच्छी तरह व्यू मिल सके इसका। वो कल तो रोजाना तो नहीं बंदा आ सकता, लेकिन जुम्मे के जुम्मे तो बंदा आना चाहिए ना, फूल लेके आना चाहिए, दुआ वगैरह करनी चाहिए। खैर मुझे तो काफी अरसा हो गया है, मुझे अभी भी कब्रों का पता है, लेकिन कुछ होते हैं उनके कब्रों का पता ही नहीं होता। मैं काफी अरसे बाद आया हूँ लेकिन मुझे अभी पता है कब्रों का, कि मेरे दादा बुके जो भाई है, मतलब वो मेरे दादा ही हुए, और दादी की, दोनों के कब्रों का मुझे पता है। तो मैं अभी खैर दुआ करता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लोग लंबा नहीं करते। आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई मैं काफी कुछ देर बाद इधर आया हूँ, तो आपको दिखाना चाहिए, मुनासिब समझा तो मैंने बना ली वीडियो। यार सबसे अच्छी बात ये है मुझे लगी कि माशाल्लाह से हमारे गांव में एक कुरान महल है। ये चेक करो, लाइट नहीं है अंदर कोई, इस वजह से मोबाइल की लाइट भी दिन में कम ही ये दिखाई देती, लेकिन ये कुरान महल है। मेरे ख्याल से और किसी गांव में ऐसा कुरान महल नहीं बना होगा, इर्द गिर्द के मे भी किसी में बनाऊ, बड़ी अच्छी बात है, ये बनाना चाहिए यार। कुरान सपारे वगैरह ऐसे ही लोग कहीं पे दीवारों में देते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर ऐसे बहुत सख्त गुनाह है यार। ये बड़ी अच्छी चीज है कि माशाल्लाह से हमारे गांव की जनाजगा के पास ही, जनाजगा के साथ ही एक कुरान महल है छोटा सा, ये देखो ये। तो खैर अब चलते हैं। तो यार अभी मैं आ गया था वापिस, आज के लिए बस इतना ही, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर दो, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।